Hey guys, welcome back to my YouTube channel Smile with Pallavi। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विटामिन सी फेस पैक, जिससे जो आपकी स्किन है बहुत ही, जो आपका फेस है बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा, बहुत ही स्पॉटलेस लगेगा और अच्छा लगेगा। अगर आपके फेस पे कोई स्पॉट की प्रॉब्लम हो रही है तो वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। अक्सर आप में सबने पूछा है कि मेरे फेस पे कैसे इतनी फ्लॉलेस स्किन है, कोई स्पॉट नहीं है, कोई पिंपल नहीं है और कोई कुछ ऐसी एक्ने सी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं है, डार्क सर्कल नहीं है, क्यों नहीं है। तो गाइस, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फेस पैक जो कि आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपके फेस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जो है आपकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस हो जाएगी, जैसे कि मेरी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विटामिन सी फेस पैक, जो आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो और हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से उसको फेस पे अप्लाई करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप उसको हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ वीडियोस के बाद, कुछ दिनों के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइस, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा अगर अब तक नहीं किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं बात कर रही हूँ गुड वाइब्स के ऑरेंज रिंट पाउडर की और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ नो पैराबेन नो सल्फेट क्रुएल्टी फ्री है ये पाउडर। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ओनली ओनली ऑरेंज रिंट ही है, मतलब जो आप संतरे का छिलका होता है वो अगर सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उसको जो है ड्राई करने के बाद इसका एक पाउडर बनाया जाता है, इस तरीके से ये है। ये प्योर होता है, गुड वाइब्स का जो प्रोडक्ट होते हैं काफी अच्छे होते हैं। और इसके साथ साथ लिखा हुआ है ये हमारे स्किन में जो है बहुत ही अच्छा सा फ्लॉलेस एक विटामिन सी पाउडर है ये, जो हमारे स्किन पे जो है ग्लो प्रोवाइड कराता है, नरिश करता है स्किन को और आपके हेयर को भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेयर एंड स्किन दोनों के लिए है। बट आज मैं आपको ओनली एंड ओनली हेयर के लिए बताऊंगी, मतलब कि फेस पैक बताऊंगी। तो इसके साथ साथ लिखा हुआ है इसको कैसे यूज करना है, तो ये लिखा हुआ है मिक्स विद कर्ड फॉर ड्राई स्किन एंड रोज वाटर फॉर नॉर्मल एंड और ऑयली स्किन। तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप कर्ड यूज कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन नॉर्मल और ऑयली है तो आप इसमें रोज वाटर यूज कर सकते हैं और आप इसमें जो है हनी भी यूज कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने इसको काफी यूज किया हुआ है ओनली एंड ओनली हनी ऐड करके, जो मेरे फेस पे काफी एक अच्छा सा इफेक्ट देखने को मिला है मुझे। इसके साथ साथ लिखा हुआ है हेयर के लिए, तो हेयर में है मिक्स वाटर एज ए पेस्ट टू यूज द क्लींजर। तो आपको हेयर क्लींजर के रूप में इसको यूज करना है, ये कोई हेयर मास्क नहीं है, ओनली एंड ओनली ये हेयर क्लींजर के रूप में ही आपको इसको यूज करना है। और इसके साथ ही साथ लिखा हुआ है बी केयरफुल कॉन्टेक्ट विद आईज, और इस तरीके से आपको हर फेस पैक में आपको आईज कॉन्टेक्ट से थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा और अगर चला जाता है तो जस्ट आपको वाटर से वॉश कर लेना अपनी आईज को। तो ये कुछ इस तरीके के पैकेट में आता है और बॉक्स में है प्यारे से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ये सितंबर 19 का है और आप इसको अगस्त 21 तक यूज कर सकते हैं। एंड इसकी जो आप देख सकते हैं ये मुंबई से आया हुआ है, यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड इसकी MRP है 105 रुपए की MRP है। और या दैट्स इट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑरेंज छिलके का बना हुआ है पिक्चर, तो ये ऑरेंज के छिलके का ही है, प्योर एंड प्योर। और मैं ऑरेंज का छिलका अक्सर घर पे भी बनाती हूँ, बट मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं आपके साथ शेयर करूँ एक फेस पैक। तो आप देख सकते हैं ओपन करने के बाद पूरा ये फुल है, जो है ये जो बॉक्स है पूरा फुल है, इसमें ऑरेंज रिंट पाउडर है और 105 रुपए का, दैट्स इट। बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो बजट फ्रेंडली है। तो ये जस्ट पाउडर लेना है और इसमें मैं ऐड करती हूँ अपने अकॉर्डिंग हनी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनी यूज़ करने से मेरे फेस पे मुझे ज़्यादा अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिला, तो आप इस तरीके से हनी यूज कर सकते हैं, बट आपको प्योर हनी यूज करना है। मार्केट में बहुत से तरीके के हनी आते हैं, तो इस तरीके से आपको प्योर हनी यूज करना है। हनी ये मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ डाबर हनी। तो एक लेना है बोल हमें एक इस तरीके की, और जो है एक स्पून लेना है, और इसके बाद जो है मैं इसका बनाऊंगी पेस्ट। तो इसमें जो है 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून, तो मेरे फेस के अकॉर्डिंग मैंने 1/2 टेबल स्पून इनफ है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ओनली एंड ओनली हनी। आप थोड़ा सरप्राइज्ड हो रहे होंगे देख करके, बट गाइस आप इसको यूज करके देखना, बस हनी में इसका पेस्ट बना के, सच में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं एक्चुअली क्या है ना कि मुझे बहुत सारी DIYs पता है, बहुत सारे फेस पैक पता है कि किस तरीके से अप्लाई किया जाते, किस इंग्रेडिएंट का कौन सा
किस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं हर फेस पैक अपने अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ और फिर उसको अप्लाई करती हूँ, और गाइस सच में उसको जो रिजल्ट्स होते हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे हनी का एक पेस्ट बना रही हूँ, बस जरा सी क्वांटिटी लेनी है हनी एंड ऑरेंज रिंट पाउडर की, आपके फेस के लिए इनफ है इतना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा एक पेस्ट बन गया है यहाँ पे, और चलिए अब इसको अप्लाई कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे इसको वॉश आउट करना है अपने फेस पे से। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है फेस पैक जो मैंने अभी बनाया है, और बहुत ही रनी नहीं है, बहुत ही थिक है जैसा कि मैंने आपको साथ शेयर किया था। तो जो हनी है वो हनी मैंने इसमें ऐड किया है, जो बहुत ज़्यादा थिक रहता है और हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसको इस तरीके से कुछ फेस पे अप्लाई करना है फिंगर से, और आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको वॉश कर लेना है आपको, 10 से 15 मिनट रखना है और पूरा ड्राई नहीं करना, जो थोड़ा सा ड्राई रह जाए तो मतलब आप कह सकते हो 80% का ड्राई करना है, 20% जो थोड़ा सा वेट रह जाए तो आपको जो है क्लीन कर लेना है नॉर्मल वाटर से। तो चलिए मैं जो है थोड़ी देर के बाद ड्राई होने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैंने कर लिया है फेस वॉश, और फेस वॉश करने के बाद मुझे इंटरनली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो मैं इसके बाद मैं अप्लाई करने जा रही हूँ ये है नीविया का बॉडी लोशन, और ये शिया बटर का है, ड्राई स्किन के लिए है मेनली। तो आप हमेशा जब भी आप फेस पैक कोई भी अप्लाई कीजिए तो उससे क्या होता है कि हमारे पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो हमें जो ओपन पोर्स उनको क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज हमारे फेस पे जल्दी ही एजिंग की प्रॉब्लम आ जाती है और हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा जो है ना डलनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने लिया हुआ है फेस पे अप्लाई करने के लिए, और इसको जो है अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद ही आप जो है आपको जो फाइनल स्किन केयर होता है वो होता है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है थोड़ा सा लेके, और अपने फेस को जो है कर लेना है क्लीन एंड क्लियर, दैट्स इट। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ टाइम लगेगा, मतलब आप कह सकते हो कि 2 से 3 दिन उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एकदम से इमीडिएट आपको कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। कोई सा भी फेस पैक आप अप्लाई कीजिए, आप नेचुरल अप्लाई कीजिए, आप मार्केट का अप्लाई कीजिए या फिर आप आयुर्वेदिक फेस पैक अप्लाई कीजिए, तो आपको 2 से 3 दिन देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो है जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपने फेस के ऊपर। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करेगा, और आप इस फेस पैक को अप्लाई जरूर कीजिएगा, जरूर आप अपने फेस पे यूज कीजिएगा, आपके फेस पे जरूर टाइम से जो है आपको अपनी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, पर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन पे कौन सा, आपके फेस पे कौन सी प्रॉब्लम है, एक्ने है, पिंपल है, और या फिर डार्क सर्कल है, या फिर डलनेस की प्रॉब्लम है, कोई सी भी प्रॉब्लम होगी आपकी स्किन पे आपके फेस पे, वो जो है टाइम के साथ साथ जो है दूर हो जाएगी और आपकी स्किन बन जाएगी बहुत ही फ्लॉलेस। तो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो जल्दी मिलते हैं अच्छे से प्यारे नए ब्लॉग के साथ।